एक्चुअली हम भी थे नहीं, हम बाहर के थे, काम से निकले थे, उसी में लेट हो गए। क्या हुआ? एक्चुअली हम भी थे नहीं, एक्चुअली नहीं ओके, कहाँ घूमने गए? कहीं घूमने नहीं गए, तो कुछ काम से गए। ओके ओके, हाँ मेरा भी आज कुछ ऑफिस का काम निपटाना था, इस वजह से आज मुझे इधर ज्वाइन करने में लेट हो गया। अभी स्क्रीन शेयर हो गई है। हाँ आपकी स्क्रीन तो विजिबल है। आपने वो कल प्रोग्राम्स दिए थे पर मुझे टाइम नहीं मिला उसको करने का, तो हम क्लास में ही देख लेते हैं उसको। क्लास में देख ले। क्लास में ही देख लेते क्योंकि फिर वैसे टाइम ही नहीं मिल पाता। आज भी ऑफिस का कुछ फ्रॉड रिलीज जाना था, उस चक्कर में उधर इंगेज हो गए। अच्छा ठीक है, चलिए कर देते हैं। अभी बाहर मार्केट वगैरह खुल गया है क्या? पूरा नॉर्मल हो गया है क्या सिचुएशन? हाँ अब तो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल। ये क्वेश्चन दिए थे ना, रिवर्स हो गया था ये सब क्वेश्चन है ना। चलिए यहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं।
जी हमने एक स्ट्रिंग इनपुट कर लिया, अब हमें जो है इसको पैटर्न के फॉर्म में प्रिंट कराना है। जैसे पैटर्न था और नंबर हम लोग प्रिंट करा रहे थे, यहाँ पर कैरेक्टर है। इसमें सी रह गया, सी कट गया है, ओ स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो पोजीशन से क्योंकि एरे है तो जीरो से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर कुछ भी दीजिएगा वो आपका इस तरीके से आप फॉर्मेट में। तो ये फर्स्ट वाला है ना जो आपने असाइनमेंट में दिया था, फर्स्ट वाला है। और इसी में दूसरा कर देते बना देते हैं।
जो है वो है आपका, अच्छा सारे बोर्ड अलग अलग सेपरेट लाइन में, ये तो हम लोग कॉपी कर ही लेते हैं। इनपुट हो गए, स्ट्रिंग इनपुट हो गए, और सेपरेट लाइन यहाँ पर हम लोग को करना ये है कि एक वर्ड के बाद वो आपका लाइन चेंज कर दे। पहले हम उस लेटर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर ले लिया, सी एच इज इक्वल टू आर डॉट कैरेट पोजिशन आई। पहले हम उस कैरेक्टर को गेट कर लेंगे जिसका, और अगर वो कैरेक्टर जो है आपका जैसे सी एच नॉट इक्वल टू एस हुआ तब तो उसे प्रिंट कर देंगे, जैसे कि सी एच को प्रिंट। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और आपका सी एच की वैल्यू जो है वो स्पेस अगर हुई, ये प्रिंट नहीं करेगा, लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक ही लाइन में प्रिंट कराना है हमें, तो इसको इसके लिए हमने एलन हटा दिया। लेकिन अगर आपका सी एच की वैल्यू स्पेस की इक्वेलेंट हुई तब तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको प्रिंट कर देगा। अब इसको करके देखते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया ठीक है, तो सारे वर्ड हो आपके जहां पर भी स्पेस से मिलेगा वो उस पे लाइन आपको चेंज कर देगा। सेकंड प्रोग्राम था ना? हाँ, ये सेकंड प्रोग्राम था। तो यहाँ पर हम जो है इसके नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। अब तीसरा प्रोग्राम जो था वो क्या था? तीसरे में हमें जो है वर्ड को काउंट करना, ठीक है। तो वर्ड को काउंट करने से पहले हम लोग एक और क्लास पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं उसके बारे में। उसका नाम है स्ट्रिंग टोकेनाइजर। टोकेनाइजर
हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ जिस लोकेशन से हम चाहेंगे तो उस सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऊपर लिखा स्ट्रिंग str इज इक्वल टू ऑल इज वेल, और जहाँ जहाँ से स्पेस है, क्योंकि हमें वर्ड काउंट करना है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ से स्पेस है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए टोकनाइजर यूज करते हैं। और इस स्ट्रिंग दे देते हैं जिसे स्ट्रिंग को हमें डिवाइड करना है, और वो डेलिमिटर दे देते हैं जहाँ से हम डिवाइड करना चाहते हैं जिस सिंबल से। तो हमें स्पेस से करना था तो हमने यहाँ स्पेस दे दिया, ठीक है। अब वो डिवाइड करके जो है यहाँ पर ये एसटी के अंदर स्टोर कर देगा, उसके टोकन्स बना देगा, जितने वर्ड होंगे उतने टोकन बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको प्रिंट कराना होता है, तो हम जो है अब पहले चेक करना पड़ेगी, तो हैज मोर टोकन एक फंक्शन है, इसका यूज करते हैं। ये पहले चेक करेगा कि आपका आपका जो एसटी है, जो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग टोकनाइजर, इसमें इसमें जो है टोकन्स है नहीं है कि नहीं। अगर टोकन्स होंगे तो वो एक्सेस करेगा, अदरवाइज लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अगर हम प्रिंट कराना चाहें तो इसे प्रिंट करा सकते हैं। एसटी डॉट नेक्स्ट टोकन नाम का आपको मेथड मिलेगा, और वो उस टोकन को प्रिंट कर देगा, मतलब उस वर्ड को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अब इसी के थ्रू हम लोग काउंट करते हैं कि कितने वर्ड कितने हैं। तो जितने टोकन होंगे उतने वर्ड होंगे। तो देखिए किस तरह से करते हैं। टोकनाइजिंग टोकनाइजर ले लिया, और यहाँ पर जो है आपका str has more token चेक किया और आपका ये आ गया। तो अगर सिर्फ हम इधर प्रिंट कर देते हैं, इतना एग्जीक्यूट करा देते हैं इतने पर, तो ये आपका सारे वर्ड को अलग अलग प्रिंट करा देगा। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया, ये भी दे दिया, ये सारे वर्ड को देखिए एक एक वर्ड का एक एक टोकन बना देगा, और उस टोकन को आप इस तरह से प्रिंट करना। अब हमें क्योंकि काउंट करना है कि कितने वर्ड हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, तो हम यहाँ पर एक काउंटर लगा सकते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं कि कितने टोकन्स हैं, कितने इनका वर्ड कितने हैं। इसे जो है मान लीजिए कि हमने लिख दिया, इसको चेक करना है इसमें कितने वर्ड हैं, तो आपको बता देगा नंबर ऑफ वर्ड 3। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे तो आप किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह हमने लिख दिया टाइम, और टाइम में आपने देखा होगा कि टाइम इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से टाइम आता है। अब हम मान लीजिए कि हम जहाँ कोलन है वहाँ से हम डिवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है हम डिवाइड आपको जो है यहाँ पर देना पड़ेगा कोलन,
आप देख लीजिए इसको, इसमें आपको मालूम हो जाएगा कितने वर्ड हैं। अब यहाँ पर हमने लिख दिया अध्यक्ष के, ठीक है। आप इंटरफेस करेंगे तो जहाँ जहाँ कोलन था वहाँ से वो डिलाइट कर देगा और इस तरह से शो दे कर देगा कितने वर्ड आपके हैं। तो इस तरह से कहीं से भी आप इसके थ्रू डिवाइड करके आप काउंट करना चाहेंगे, जो भी आप प्रोसेस करना चाहेंगे आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। सम हो गया, स्ट्रिंग हो गया, या फिर रेशियो के फॉर्मेट में हाँ हाँ वाली चीजें। इस तरीके से आप मान लीजिए फाइल है, फाइल के सारे वर्ड आपको चेक काउंट करने हैं तो बहुत सारी जगह पर इसे यूज हो जाता है। अब यहाँ पर ये हो गया आपका, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस हमें रिमूव करना है। अगर इस स्ट्रिंग के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस आपका है तो हम कैसे इसे रिमूव करेंगे। एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने से पहले समझ लेते हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस क्या है और किस तरीके से हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक बना लेते हैं एक एरे है और इसमें जो हमको सेंटेंस लिखते हैं अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, जैसे यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा दो एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पे दो एक्स्ट्रा स्पेस है। तो अब यहाँ पर से कौन सा स्पेस एक्स्ट्रा है ये समझने की जरूरत है। तो जैसे ए आपका ऑल के बाद ये वाला जो स्पेस, एक स्पेस तो इसमें रहेगा ही रहेगा, तो हम या तो ये कह सकते हैं कि ये वाला स्पेस जो है वो वैलिड है यहाँ पर,
जो है आपका ये वैलिड है, ठीक है, एक तो इस केस वैलिड है, या तो हम इसको वैलिड मान लें, ठीक है, या तो इसको वैलिड मान लें, ठीक है, किसी एक को तो मानना पड़ेगा कि एक स्पेस तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो या तो हम यहाँ पर या तो जो लेटर है आपका, जैसे ये एक ये स्पेस है, तो स्पेस के पहले यानी लास्ट कैरेक्टर अगर स्पेस नहीं है तो ये वैलिड हो जाएगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो स्पेस अगर है और उसके बाद वाला जो कैरेक्टर वो स्पेस नहीं है तो वो आपका जो है वैलिड वैलिड स्पेस होगा, हम दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये कर रहे हैं कि लास्ट कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं, यानी जैसे एक स्पेस हमें मिला तो हम ये चेक कर रहे हैं कि जो पिछला कैरेक्टर था अगर वो स्पेस नहीं है तो ये वैलिड स्पेस होगा, ठीक है। तो देखिए इसको इस तरीके से करते हैं, आपका स्ट्रिंग इनपुट हो गया, अब हम यहाँ पर एक कैरेक्टर चेक कर लेते हैं, लास्ट कैरेक्टर, हमने मान लिया कि लास्ट कैरेक्टर जो है वो स्पेस है, एक एलसी नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू हमने लास्ट कैरेक्टर मान लिया। अब हमें ये चेक करना है कि लास्ट कैरेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो लूप तो पूरा चलेगा आपका, int i is equal to 0, I less than str dot length i plus plus, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है एक कैरेक्टर चेक कर लेते, चेक ले कैरेक्टर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने जो है एक एक्स ले लिया, एक्स इज इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट, अब पोजिशन ले लिया आई के, चेक कर लेते हैं अगर एक्स इज इक्वल टू स्पेस, अगर एक्स की वैल्यू स्पेस है, सॉरी एक्स नॉट इक्वल टू स्पेस, अगर स्पेस नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कैरेक्टर है तो हमें लेटर है तो हमें प्रिंट करना ही करना है, तो हम उसको प्रिंट कर लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक्स की वैल्यू प्रिंट आपका स्पेस हुई तो वो आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो दूसरा चेक करेंगे इफ x is equal to space and ch not equal to space, अगर ch की वैल्यू स्पेस नहीं है, यानी लास्ट कैरेक्टर से ये सॉरी lc है, लास्ट कैरेक्टर जो स्पेस नहीं है तो वो आपका स्पेस आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू को फिर से प्रिंट करा दिया, अब इसके बाद जो एलसी की लास्ट कैरेक्टर अब लेक्स जो प्रिंट हो जाएगा तो एलसी की वैल्यू को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, एलसी की वैल्यू को जो है जो एक्स की वैल्यू होगी वही लास्ट कैरेक्टर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम बस इतना ही करना है आपको, उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करा दीजिए, अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा ऑल इज कर दिया, देखिए आपका नॉर्मल आपका ये प्रिंट हो जाएगा, मतलब इसमें हम एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर रहे हैं, और एक बार वापस से प्रोग्राम में जाएंगे क्या? हाँ देख लीजिए,
अच्छा यहाँ पे हमने टाइम लिखा इसके वो एंटर द टाइम बोल रहा है यहाँ पे। अच्छा वो फिर स्ट्रिंग प्रिंट करवाया, फिर आपने बोला कि लास्ट कैरेक्टर इक्वल्स टू एम्प्टी ले लिया। कैरेक्टर अगर आपका अगर स्पेस नहीं होगा तो वो नॉर्मल प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर स्पेस है तो वो चेक करेगा। लास्ट कैरेक्टर तो ऐसा नहीं है कि स्पेस है, तो लास्ट कैरेक्टर स्पेस नहीं होना चाहिए, तो वो चेक करेगा। अगर लास्ट कैरेक्टर स्पेस हुआ तो वो प्रिंट नहीं करेगा। तो कैसे पता चलेगा? कैसे तो आपका हर लूप पे ये चेंज होता जाएगा, जो एफ्स की वैल्यू होगी वही एल सी की वैल्यू होती जाएगी। जब एक एक्स प्रिंट हो गया तो वही जो होगा वो लास्ट कैरेक्टर हो जाएगा, वही एल सी की वैल्यू हो जाएगी जो लेटर प्रिंट हो गया। तो इस तरह से जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो हम हर लूप में चेक करते जाएंगे। अगर लास्ट कैरेक्टर स्पेस नहीं हुआ तो आपका प्रिंट कर देगा, अगर स्पेस होगा तो प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है। लास्ट प्रोग्राम है आपका पांचवा, ये आपका फिफ्थ प्रोग्राम है, ये आपका फोर्थ है। करना है कि स्ट्रिंग जो है ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक इधर ले लिया i इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा, और एक हम और ले लेते हैं n j इज इक्वल टू लेंथ निकाल लेते हैं, कितनी लेंथ है उस स्ट्रिंग की। और क्योंकि ये आपका जीरो से स्टार्ट होता है तो अगर पांच कैरेक्टर का होगा तो फोर तक ही जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम माइनस मार्क करते हैं। तो लास्ट कैरेक्टर जो है वो जे जो है आपका लास्ट कैरेक्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि पैलिंड्रोम चेक कर रहे हैं तो पहला और लास्ट जो दोनों सेम होना चाहिए, तो इसलिए जो है दोनों को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर हमने लेकर दिया और जे इज इक्वल टू आपका एस टी आर डॉट लेंथ है, यहाँ पर हम कर देते हैं इसे लिए कर दिया हमने, और यहाँ पर हमने कर दिया है जे इज इक्वल टू लेंथ। यहाँ पर i इक्वल टू 0 किया, j इक्वल टू लेंथ कर दी जो लेंथ होगी उसकी, और ये लूप तब तक चलेगा जब i लेस देन j रहता है, और यहाँ पर i में इंक्रीमेंट होता चलेगा और j में डिक्रीमेंट होता चलेगा। है वो क्या रहा है इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं एक बार फिर से। अब जैसे मान लीजिए कि इसको डिलीट कर देते हैं, एक एरे क्रिएट कर लेते हैं,
अच्छा ये आपका एक इस पे हम इनपुट कर रहे हैं नंबर इनपुट कर दे रहे हैं 0 एरे हैं, हम इसमें कोई वैल्यू इनपुट करते थे जैसे हम इनपुट कर रहे हैं एम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये पैरेंट नॉम है या नहीं। ये वर्ड है और हमें इसे प्रिंट कराना है, ये चेक करना है कि ये वर्ड पैलिंड्रोम है या नहीं, जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। हेलो, हाँ जी, इसकी लेंथ हो जाएगी 0 से लेकर 9। 9 हो जाएगी, लेकिन हमें 9 पर देखिए यहाँ ब्लैंक है, तो 9 से तो हम करेंगे नहीं, हमें 8 से करना होगा। इसीलिए देखिए हमने यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू -1 कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका आई इक्वल टू देखिए लेंथ की वैल्यू आप यहाँ पर देखिए -1 कर दिया, तो लेंथ की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8 -1 आई इक्वल टू हमने 0 दे दिया, ठीक है। आपका आई की वैल्यू 0 दिया है और है 8 कर दिया, 8 हो गई। तो अब यहाँ पर 0 पर देखिए m है और 8 पर भी m है, दोनों मैच कर रहा है, यानी कि पहले आपका जो है मैच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगले लूप में क्या होगा, i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी और लेन की वैल्यू जो हो जाएगी वो एक डिक्रीमेंट होगा और 8 था 7 हो जाएगा। अब 1 की पोजीशन पर देखिए a है और 7 की पोजीशन पर भी ए है, दोनों मैच कर गए। नेक्स्ट फिर क्या होगा, आपका आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा और आई 2 हो जाएगा और ये इसमें डिक्रीमेंट होगा और ये 6 हो जाएगा। तब 2 में देखिए यहाँ पे एल है और 6 में भी एल है, दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर से ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। तो 3 पर भी देखिए ए है, 5 पर भी ए है, दोनों मैच कर गया। फिर उसके बाद फिर से जो है आपका इसमें इंक्रीमेंट होगा, ये 4 हो जाएगा और इसमें डिक्रीमेंट होगा तो ये 4, उसमें इंक्रीमेंट होगा तो 4 होगा, इसमें डिक्रीमेंट होगा तो 4 हो जाएगा। दोनों 4 हो गए तो दोनों ही सेम हो गए, वाई वाई दोनों, तो दोनों ही भी सेम आएगा, तो हमें इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमने आई लेस देन जे किया है कि जब तक वो छोटा रहेगा तभी तक, जब इक्वल होगा तो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से चेक करते जाएंगे, अगर दोनों मैच करता जा रहा है तो पैलिंड्रोम है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। अगर एक बार भी वो मैच नहीं किया तो आपका पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो अभी कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर चेक ले कंडीशन से पहले हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेक्टर एट और इसमें हमने दे दिया 5। तो ये आई की पोजीशन पर जो कैरेक्टर आएगा वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। सेम थिंग वाई पर ले लेते हैं, एस टी आर डॉट कैर एट जे ले लेते हैं यहाँ पर, तो जो आई की पोजीशन पर है वो एक्स में आ जाएगा, जो वाई की पोजीशन जे की पोजीशन पर होगा वाई में आ जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, इफ x not equal to y, अगर बराबर नहीं है तो यहां पर हम लोग जो है एक
एक बूलियन ले लेते हैं, बूलियन वैल्यू वेरिएबल ले लेते हैं फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं या ट्रू कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान रहे हैं कि जो वर्ड इनपुट किया गया है वो पैलिंड्रोम है, तो यहाँ पर चेक करेंगे इट्स नॉट इज इक्वल टू, अगर दोनों मैच नहीं किया यानी वो पैलिंड्रोम नहीं है देन क्या होगा, फ्लैग की वैल्यू जो होगी वो फॉल्स हो जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू रहेगी। तो अगर एक बार ये हर आपका जो है नेक्स्ट लूप में क्या होगा कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, जे डिक्रीमेंट होगा, उससे से जो कैरेक्टर आएंगे फिर उसको चेक करेगा, अगर वो मैच नहीं किया तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर आपका लूप कंप्लीट हो जाने के बाद वो चेक करेगा इफ फ्लैग आपका ट्रू अगर है तो आपका शो करेगा पैलिंड्रोम। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है ठीक है, तो यहाँ पे हम बूलियन फ्लैग के लिए बूलियन फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, क्या चीज बूलियन मतलब बूलियन फ्लैग लिया ना हमने यहाँ पे, हाँ 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 हाँ, तो इसका मतलब क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो वो मैच नहीं करेगा अगर दोनों कैरेक्टर को हम चेक करेंगे दोनों मैच हाँ। पहले और लास्ट को अगर मैच नहीं करेगा तो फ्लैग की वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगी, मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है। ओके, मतलब ये भी एक है ना, मतलब अगर हम ट्रू फॉल्स का देख रहे सिनेरियो तो हम फ्लैग के थ्रू भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लैग अगर आपका ट्रू है तो पैलिंड्रोम शो करेगा, अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम शो करेगा। अब इसको रन करा लेते हैं, कोई भी वेरिएबल फ्लैग की जगह कोई दूसरा वेरिएबल भी लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जैसे हमने लिखा मलयालम लिख दिया पैलिंड्रोम है आपका। तो इस तरीके से आप किसी भी लेटर को चेक कर सकते हैं कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। कर लीजिएगा, कुछ और हम प्रोग्राम दे देते हैं इनको ट्राई कीजिएगा। तो ये जो आपने टोटल 5 प्रोग्राम किए थे वो हमने देख लिया यहाँ पर। ओके, फाइल रीड करनी है और फाइल को काउंट करना है कि उसमें कितने वर्ड हैं। तो इसमें हम लोग वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्या, फाइल इनपुट आउटपुट वाला? हाँ, वो भी यूज होगा और स्ट्रिंग टोकनाइजर हमने अभी आज आपको बताया है वो भी यूज होगा। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए फाइल and check given word exist in file
चेक गिवन बट इज एग्जिस्टिंग फाइल आई चेक रीड ए प्रोग्राम सेट प्रोग्राम टू रीड ए फाइल एंड चेक गिवन वर्ड इज एग्जिस्ट इन फाइल और नॉट. आपको कोई वर्ड इनपुट करना है जैसे फाइंड करते हैं हम किसी फाइल में वर्ड आप फाइंड करते हैं, बस वैसे यहाँ पर करना है कि आप वर्ड इनपुट करेंगे फिर आपको चेक करना कि वो वर्ड फाइल के अंदर आपका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. इसमें सब में फाइल इनपुट आउटपुट के कंसेप्ट लगेंगे. हाँ हाँ आप एक फाइल को रीड कीजिए और उसमें काउंट कीजिए कि वो वर्ड वो कितने टाइम फाइल के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. और जैसे किसी वर्ड को चेंज करना है पहले चेक कीजिए फाइल आपका वो वर्ड है कि ना. अगर वो वर्ड है तो किसी और वर्ड से आप चेंज करना चाहें तो वो आप चेंज कर दे उसको. तो अभी तो ये वर्ड थोड़ा सा लास्ट वाला प्रोग्राम तो अभी आप देख ट्राई कीजिए, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नेक्स्ट बता देंगे. लेकिन इन तीनों को जरूर ट्राई कीजिएगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड. मुझे उसके लिए पहले फाइल इनपुट आउटपुट वाला एक बार रिवाइज करना पड़ेगा. हाँ 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 ये प्रोग्राम तुम्हें क्वेश्चन लिख दिए और आज जो प्रोग्राम तुमने आपको सुना है वो हम आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने फॉरवर्ड कर दिया आपको, तो इन्हें देख लीजिएगा जैसा होगा वैसे नेक्स्ट टाइम बताइएगा. ठीक है, ओके, गुड नाइट. हाँ, गुड नाइट, थैंक यू.